खबर उज्जैन से। गुंडा रूपी माफिया से परेशान महिला दर्द की ठोकरें खा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं के खिलाफ और गुंडों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उनकी सफाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक गुंडा रूपी माफिया धारा सिंह माली नामक व्यक्ति ने एक महिला के घर पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है और इसके बदले में 2 लाख की मांग कर रहा है। पीड़ित महिला अपने पति बच्चे के साथ कई विभागों में शिकायत की, लेकिन न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है, ऐसा महिला का और उसके परिवार का मानना है। अब पीड़ित महिला अपने मकान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी शिकायत करने का मन बना रही है और न्याय की मांग करेगी। उज्जैन से संवाददाता सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। ये क्या शिकायत है आपकी और क्या कारण था आज पुलिस अधीक्षक से मिलने आए? हमने किराए से मकान दिया था सर, तो वो किरायेदार है ना, क्या दो एक डेढ़ एक एक साल हो गया कम से कम, पर वो खाली नहीं कर रहा और मांग कर रहा 2 लाख रुपए की। हम एसपी साहब के पास भी चल गए, कलेक्टर ऑफिस भी चले गए, पर सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वैसे कहाँ तक सुनवाई नहीं हुई सर, हम इतने परेशान हो रहे, बहुत परेशान हो रहे सर। मांग कर रहा 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए दो, कहाँ से लाए सर हम 2 लाख रुपए? ना तो वो किराया देता और ना मकान खाली कर रहा सर। 5 से 6 महीने किराया दिया उसने, उसके बाद में कोई किराया नहीं देता है। वो बोलता है कि तुमसे बने जो कर लो जा, और जाते हैं तो गंदी गंदी गाली देता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम धारा सिंह, धारा सिंह माली। अब सर हम बहुत परेशान हो चुके हैं, मतलब है ना, एक साल हो गया हमको भागा दौड़ी करते करते, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हमारा ये नहीं होगा, यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम सर हम सीएम के पास जाएंगे सर। हम कुछ भी करेंगे पर हमारा मकान हम हाथ से नहीं जान देंगे सर। क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति मीणा है।